हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ओके, तो आप सबको पता होगा हमने बहुत से कोर्सेज देखे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं और कहीं कहीं पोस्टर्स लगे होते हैं कि यहाँ पे आपको इस चीज़ का कोर्स कराया जाएगा जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और बहुत कुछ हमने इधर उधर देखा है। तो मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए, आपको करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। और सेकेंड थिंग ये कि कोई बोलता है कि आपका जो वे ऑफ टॉक होता है, आपका चलने का तरीका होता है, ये कुछ चीज़ें इस डेवलपमेंट में आती है। तो देखो कहाँ तक ये चीज़ सही है, कहाँ तक नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि आज के टाइम में जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। आज के टाइम में आप कितने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कितने ही होशियार हो, वो चीज़ काम बाद में आती है। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। क्लियर? अब देखिए, एक तो आप स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान स्मार्ट होता है वो बहुत कुछ अचीव करता है। ये चीज़ बहुत सही है, बहुत ही सही है। स्मार्ट और जो आपके डिसीजन होते हैं उनको क्विक लो, क्विक लेना सीखो। कोई भी डिसीजन है सोचो, आराम से सोचो, लेकिन उसको डिसीजन को ऐसा खुद मतलब कन्फ्यूज मत हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्विक डिसीजन। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो हम आगे स्टेप्स देखेंगे, टोटल 11 स्टेप्स होंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। जो कोर्सेज चलते हैं उसके फेवर में नहीं हूँ, दैट्स वाई मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। देखो प्रॉपर तरीके से मेरा भी डेवलपमेंट शायद नहीं है, कुछ कमियाँ मुझ में भी हैं और मैं इसको मानने में, इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझ में भी बहुत सी कमियाँ हैं और मेरे को कोई बुरा फील नहीं हो रहा है, ना कुछ शर्म आ रही है कि है। हर किसी में कमियाँ होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इम्परफेक्शन सब में है। क्लियर? तो कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप उसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, बेटर बन सकते हो। मैं खुद भी उनको यूज़ कर रही हूँ तो आपको भी जरूर बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर का पॉइंट है हमारा, फर्स्ट स्टेप है नो योरसेल्फ। क्लियर? और एक थॉट आपने सुना होगा जो किसने दिया है, हिंदी में उनका अरस्तु बोलते हैं एरिस्टोटल, उन्होंने एक थॉट दिया था कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। ये जो थॉट है ये उन्होंने दिया था। तो इससे कुछ आपको समझ आया कि आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं खुद, जैसे किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको जानते हैं हम, पूरा उसके बारे में हर चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो उसी तरह अगर हमको खुद का डेवलपमेंट करना है, खुद की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है, तो हमको खुद के बारे में पता तो होना चाहिए कि हमें क्या इम्परफेक्शंस हैं, मतलब हमको किससे फियर है, किस किस से डर लगता है, हमें क्या कमी है, सब कुछ हमको पता होना चाहिए, खुद के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो नो योरसेल्फ, खुद को जानो कि आपकी हॉबीज क्या, आपको पसंद क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपके फियर्स क्या हैं, आपको क्या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आती जिसमें आप वीक हो। आपको खुद को अच्छे से जानना है और उसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होती, उसमें मत शर्माओ कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती। क्लियर? अब जैसे मुझे इंग्लिश आती है, इस चीज़ को मैं मना नहीं करूँगी, मुझे इंग्लिश आती है बट मेरी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरे को शर्म नहीं आ रही, मैं सीखूंगी एंड डेफिनेटली सीखूंगी ना, तो इसमें शर्म आने की क्या क्या बात है कि इसमें शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, नो योरसेल्फ, खुद को जानो अच्छे से। क्लियर? ये होता है कि पॉजिटिविटी आपके सेकंड पॉइंट है कि पॉजिटिविटी लाओ आपके थॉट्स में, ठीक है, और आपके आउटलुक में। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारे एक्शंस होते हैं। तो अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव, देखो अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर किसी की लाइफ में, अप्स भी आते हैं डाउन्स भी आते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो सब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारी लाइफ में भी है, और आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारी लाइफ में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनको लाइटली लेना एक उसका एक मतलब एक उपाय है। वो देखिए मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ कि कुछ मेरे साथ बुरा हुआ जो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती, तो मैं एक चीज़ खुद को बोलती हूँ कि भगवान जो भी करते हैं हमारे साथ, भगवान ही करते हैं, तो वो हमारा कुछ सोच के करते हैं, कुछ अच्छा सोच के करते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। तो मेरे साथ भी कभी भी कोई बुरा होता है जिसको मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, बिल्कुल मुझसे टॉलरेट नहीं होता, लेकिन मैं उसको बिल्कुल काम कूल डाउन ऐसे कर लेती, बिकॉज उन्होंने किया है ना, भगवान जी ने किया है, और वो जो भी करते वो अच्छा होता है। इसलिए हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखो, फिर आपके जो एक्शंस होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। अब मैंने कोई एग्जाम का फॉर्म भर दिया, मेरी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई और मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो अब मैं क्या करूँ? एक तो ये हो सकता है, एक तरफ से ये हो सकता है कि मैं टेंशन लूँ और फिर वो हड़बड़ाहट में जो प्रिपरेशन हो वो एकदम खराब हो, और या मैं एक तरफ ये कर सकती हूँ कि मैं
अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हो मेरे माइंड में कि नहीं यार सब अच्छा होगा, मेरे पास जितना टाइम है उसका उसको भी मैं अच्छे से यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकती हूँ, स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क नहीं तो स्मार्ट वर्क करके, कि क्या क्या सिलेबस के पॉइंट्स हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते। तो थॉट्स क्या होने चाहिए पॉजिटिव, उससे हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे, क्लियर। तो ये सेकंड पॉइंट है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो एक रीज़न ये कि लोग आपको पसंद करेंगे। जो इंसान पॉजिटिव रहता है, मेरी एक बात है, मैं जो आपसे हमेशा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ, कभी भी कोई मुझे कुछ कहता ना कि यार ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती, ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती, कोई भी, तो मैं सभी को बस मोटिवेट करती हूँ कि यार ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, एवरी थिंग इज पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज़ दैट आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज़ दैट आई एम पॉसिबल। सो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो हम नहीं कर सकते, एवरी थिंग इज पॉसिबल। तो मैं सभी को हमेशा कहती हूँ, इसलिए लोग भी पसंद करते हैं मुझसे राय लेना, इट्स ट्रू, ठीक है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए कि लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो ये हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट था। अब हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट था, ओपिनियन रखो, अपना ओपिनियन रखो सबके सामने। जैसे कभी आप चुप रहते हो, कोई कहीं पे कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है और आप अपनी राय नहीं दे रहे हो, अपना ओपिनियन ही नहीं रख रहे हो, तो लोग आपको कुछ समझे ही नहीं कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। हमेशा अपना ओपिनियन रखो, हमेशा, और ऐसा ओपिनियन रखो कि देखो लोगों को लगे कि यार इसमें कोई तो बात है, और भले आपके ओपिनियन से आपको लगे कि यार मैं ये बात रखूं तो इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएगी, फिर भी रखो, क्लियर। ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी है, ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी है, लोगों को लगता है कि यार इसमें कुछ है, इसको सब आता है, ये भी एक रीज़न होता है, क्लियर। तो ओपिनियन हमेशा रखना, हैव एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि चुप रहने से क्या, अपना ओपिनियन रखोगे, अपनी बात रखोगे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा लोगों पे, ठीक है। तो ये एक आपकी पर्सनालिटी को शो करता है कि यार इसकी पर्सनालिटी में कुछ तो एक्स्ट्रा है, ओके। सो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर का पॉइंट, हैव एन ओपिनियन, ओके। मीट न्यू पीपल, फोर्थ नंबर का पॉइंट है, मीट न्यू पीपल। अब जैसे आप नए नए लोगों से मिलोगे तो आपको बात करना आएगा, जो आपकी झिझक होती है ना, जो आपको डर लगता है लोगों से, नए लोगों से बात करने, क्योंकि देखो आपके फ्रेंड सर्कल्स हो गए या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए, जो भी आपके घर घर वाले होते हैं, तो उनसे आप बात फ्रेंकली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी नए लोगों से मिलते हो तो एक होता है कि आपको बोलना आना चाहिए, आपका जो तरीका होता है कॉन्वर्सेशन करने का वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आप बोलोगे तो भी सोच समझ के बोलोगे, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्वर्सेशन जो होता है वो बहुत बेटर बनेगा, आपकी जो झिझक होती है वो दूर होगी, आप नए नए लोगों से मिल पाओगे, आपके अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे और कुछ ऐसे भी बनेंगे जिनसे आप कुछ सीख भी सकते हो, आप कुछ नया ट्रेडिशन सीखोगे, कुछ नया उनके कोई कस्टम सीखोगे, मतलब कुछ नया ही सीखोगे ना, न्यू लोगों से मिलोगे, न्यू पीपल से मिलोगे तो कुछ नया सीखोगे। तो मीट न्यू पीपल, ये भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत अच्छा सा एक स्टेप होता है, बहुत ही अच्छा। आप घर के घर में हो, किसी लोगों से मिल नहीं रहे, तो इट्स नॉट एन राइट वे, लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो, बात करना सीखोगे कि कैसे बात करते हैं, बिकॉज जो चुपचाप बैठा रहता है, जिसको बात करना नहीं आता, कोई उसे पसंद नहीं करता, समझ में आई, कोई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए नए नए लोगों से मिलो, बात करना सीखो, क्लियर। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है ना, फोर्थ नंबर का, मीट न्यू पीपल। देन फिफ्थ नंबर का पॉइंट है हमारा, मतलब डेवलप न्यू इंटरेस्ट, मींस अगर आपका कोई एक इंटरेस्ट है या दो इंटरेस्ट है, क्या मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है, तो देखो यार लोग आपसे क्यों मिलेंगे, यार आपका तो इंटरेस्ट ही इतना सा है। अगर आपका ऐसा हो कि आपको बुक्स लिखना पसंद है, मींस कुछ लिखना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको डांस, आपको सिंगिंग, आपको कुकिंग, आपको मतलब आप इतनी सारी एक्टिविटी में हो, आपको स्केच करना, मतलब स्केचिंग अच्छी लगती है, पोर्ट्रेट्स बनाते हो आप लोगों के, ये आपको बहुत सी चीज़ें आती है, तो लोग इंटरेस्ट लेंगे आप में, यार इसको बहुत कुछ आता है, वो आपसे पूछेंगे, उनको लगेगा यार इसको सब कुछ आता है तो हम भी इससे सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो आपके न्यू इंटरेस्ट होने ज़रूरी, क्योंकि आपके जब न्यू इंटरेस्ट होंगे तो आपके पास बहुत सारी बातें होगी बताने को कि यार इसको ऐसे करो, इसको ऐसे, अभी एक दो इंटरेस्ट में आप क्या बोलोगे, बार बार एक ही चीज़ को थोड़ी बोलोगे, अब इतनी सारी चीज़ें होगी तो आपके पास कोई टॉपिक होगा बात करने को और लोग उस पर आपसे बात करेंगे, तो ये भी एक स्टेप होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, क्लियर। तो इसे भी ज़रूर 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 ध्यान रखें कि एक ही इंटरेस्ट नहीं, न्यू इंटरेस्ट को डेवलप करें, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बनाएं, अच्छे से बनाएं, स्केच करिए, डांस सीखिए, सिंगिंग, कुकिंग, बहुत सी चीज़ें, ओके। देन हमारा सिक्स्थ पॉइंट है,
बी अ गुड लिसनर, जैसा कि सब बोलते हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि कम बोलो ज्यादा सुनो, तो बी अ गुड लिसनर, बहुत अच्छे से सुनो। देखो आजकल क्या होता है, हम लोग किसी की बात, कोई हमसे कुछ बात शेयर करता है ना, तो हम वो बात इसलिए नहीं सुनते कि हमको वो समझनी है, हम वो बात सुनते ताकि हम उसका रिप्लाई कर सके, समझते नहीं है। ऐसा कभी मत करो, किसी से भी आप जब बात कर रहे हो ना तो उसका आई कॉन्टेक्ट हमेशा बनाए रखना, ताकि उसको लगे कि यार ये इंटरेस्ट ले रहा है, ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। और आप ऐसा नहीं करना कि यार वो आपसे बात करा और आप इधर उधर देख रहे हो जो आपके आसपास हो रहा है, वहाँ पे आप देख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप मोबाइल में बिजी हो, उसकी बात नहीं सुन रहे, ये बहुत गलत वे। जब भी आप कोई आपसे कुछ बोल रहा है, बी अ गुड लिसनर, क्योंकि देखो सुनने से क्या होता है, हमको कुछ चीज़ जानने को मिलती है, कुछ नई चीज़ को सीखने को मिलती है। लिसनर, बी अ गुड लिसनर, तो ये हमेशा पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट सेवन पॉइंट है बी अ लिटिल फन। देखिए थोड़ी हंसी मजाक मस्तियाँ करना बहुत ज़रूरी है, इतना सीरियस रह के भी क्या करोगे। जैसे समझो कोई माहौल है बहुत सीरियस वाला हो रहा है, कोई ऐसे माहौल हो रहा है और वहाँ पे कोई हंसी मजाक करने वाला ही नहीं है, तो आप बनिए, थोड़ी सी हंसी मजाक करिए, कोई बात को उल्टा करके ताकि लोग हंसें। आपको भी पता है कि हमारे स्कूल टाइम में या फिर हमारे कॉलेज के दिनों में ज़्यादातर लोग उसी पर्सन की कंपनी पसंद करते जो थोड़ा सा फनी हो, मीन्स मस्ती मजाक करता हो। सीरियस इंसान के साथ कौन रहेगा, कोई भी नहीं। तो थोड़े मस्ती मजाक, इसलिए थोड़े से एंटरटेनिंग ज़रूर बनिए, ओके, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है एक पर्सन के अंदर। तो ये हमारा सेवन्थ नंबर का पॉइंट है। देन वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो एट नंबर का स्टेप है, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। देखिए किसी की भी पर्सनैलिटी एक बॉडी लैंग्वेज से भी डिफाइन होती है, ये सच बात है। जैसे कि मेनली हम लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों का चलने का तरीका, उनका रहने का तरीका बहुत ही अलग होता है। वो देखो स्टाइल की वजह से बहुत कुछ मीन्स अपना पर्सनैलिटी खराब कर देती, मैं तो यही कहूँगी। यार हमेशा एक तरह से रहो ना कि यार आप कुछ हो, एक तो स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट, कभी भी ऐसे डाउन टाइप नहीं बैठना चाहिए, बी लाइक स्ट्रेट, ओके, चलो तब भी स्ट्रेट। ये जो आपके शोल्डर्स होते हैं जस्ट लाइक स्ट्रेट होने चाहिए, ये एक सबसे सही चीज़ है। ये झुक के बैठना, झुक के चलना रॉन्ग, बहुत गलत है। जो आपके शोल्डर्स होते हैं जस्ट लाइक स्ट्रेट होने चाहिए, क्लियर, तब चलो तो भी थोड़ा अच्छे से ढंग से। तो बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा वर्क करो, आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज को हम सही प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे वर्क करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे। आप कैसे बैठते हो, आप कभी कहीं गेस्ट बन के जाते हो तो पता है वहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ बताती हूँ, हम वहाँ डर जाते हैं हम कैसे बैठे, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठते हैं। तो फ्री होके कहीं पे भी आप जाओ ना, कहीं पे बैठो, फ्री होके बैठो, फ्री होके, वो एक तरह का पता है मतलब अट्रैक्टिव लगता है, किसी पे प्रभाव डालता है वो चीज़, कि आप कॉन्फिडेंट लगते हो उस टाइम। अब आप डर के बैठोगे यार, ऐसे बैठोगे, है ना, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल फ्री होके आराम से बैठना है आप, क्लियर। और शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, तो ये कुछ कुछ बातें होती हैं, इनका बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ओके। देन आपका अटायर, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी देखो परफेक्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती, देखो मतलब मानते कि जो किसी इंसान की कैपेबिलिटी एबिलिटी वगैरह इम्पॉर्टेंट होती है, ड्रेसिंग सेंस इम्पॉर्टेंट, बट ड्रेसिंग सेंस होता है, जहाँ पे पर्सनालिटी की बात आ जाती है तो ड्रेसिंग सेंस बहुत 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 ज़रूरी होता है, ठीक है। तो किस तरह के कलर्स हमको चूज़ करने चाहिए, किस तरह का हमको पहनना चाहिए, वो सब बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपको पता हो तो आईएएस के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मैंने इंटरव्यूज़ देखे बहुत सारे, तो वहाँ पे पता है आपका ड्रेसिंग जो आप पहन के आते हो ना, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, उस चीज़ के भी नंबर मिलते हैं। है शॉकिंग कि आप कितने सिंपल आए हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप कैसा अटायर पहन के आए हो, कैसा ड्रेस पहन के आए हो, हर चीज़ वहाँ नोटिस होती है, नोटिस की जाती है। तो इस पर भी ध्यान देना है अपने अटायर पर, ओके। एंड बी योरसेल्फ मीन्स कभी भी किसी की कॉपी मत करो, आप जैसे हो ना आप परफेक्ट हो। जैसे आप सोचो कि नहीं यार मुझे तो आलिया भट्ट जैसा बनना है, तो क्यों आप उनके उसमें मोल्ड होने की कोशिश मत करो, आप बिगड़ जाओगे, खराब हो जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो खराब हो जाएगी। आप जैसे हो ना ठीक हो, अगर आप में कोई कमी है तो खुद का एक बेस्ट और बेटर वर्जन बनाओ, बट किसी की कॉपी मत करो, बी योरसेल्फ, ठीक है। जो खुद हो ना उसी को अच्छा बनाओ, दूसरों के जैसा बनने की ट्राई मत करो। हर इंसान को भगवान ने बनाया तो
अपने आप में हर एक पर्सन बेस्ट होता है, किसी के जैसा क्यों बनना है अपने को, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी जिंदगी में मैंने ट्राई नहीं किया आज तक, जैसे होता है ना बच्चों में क्या, वो अच्छा लग रहा है मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी उसके जैसा ड्रेस चाहिए, मुझे भी उसके जैसा मेकअप किट चाहिए, जो भी है होता है बहुत कुछ, आज तक मेरे माइंड में ये चीज़ कभी नहीं आई कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा मॉडर्न बनना है, मुझे उसके जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है, उसके जैसा मेकअप किट चाहिए, कभी भी नहीं सोचा मैंने, आज तक नहीं सोचा, क्योंकि मुझे हमेशा एक ही चीज़ लगती कि मैं खुद में बेस्ट हूँ, बेस्ट खुद में, किसी से कंपटीशन नहीं करना मुझे, खुद में बेस्ट हूँ। लेकिन अब ये है मेरा जो गोल, ये है कि मुझे खुद का एक बेस्ट वर्जन बनाना है, कि लोग ये कहे कि मुझे इसकी कॉपी करनी है, जस्ट दैट थिंग। ओके, सो ये हमारा 10th नंबर का पॉइंट है, बी योरसेल्फ। एंड लास्ट पॉइंट है, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। देखो, खुद पे कभी भी डाउट मत करो, खुद के काबिलियत पे कभी डाउट मत करो कि यार मैं ये चीज कर सकूंगा, यार मेरी फ्रेंड तो डॉक्टर बन गई और मैं तो जस्ट यही हूँ, मतलब यही चीज़ बन रहा हूँ। तो देखो, हर वर्क अपने आप में बहुत बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस चीज़ में तो कभी कुछ ऐसा मानो मत, और कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसा सोचती हूँ, तभी मैं खुश रहती हूँ आजकल बिल्कुल बिंदास, कि यार हर चीज़ पॉसिबल है, मेरी तो एक ही लाइन है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा, ऐसा कोई वर्क नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो, हर वर्क पॉसिबल होता है, बस हमको क्या करने, थोड़े एफर्ट्स डालने, थोड़ा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है और उस चीज़ को सीख लेना है, कंप्लीट कर देना है, पर एफर्ट्स हमको डालने, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए, क्लियर, लेकिन सब हो जाएगी। तो ये हमने 11 स्टेप्स बताए, 11 पॉइंट्स बताए जिससे हम हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, और कोई कोर्सेज वगैरह कोई ज़रूरी नहीं होते। देखो, ये तो कुछ पॉइंट्स थे जिससे जिनको अपना के भी आप लोगों की नज़रों में अट्रैक्टिव बन सकते हो, आपकी भी कुछ होगी और वहाँ इसकी पर्सनैलिटी देखो यार, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अपना लो, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, आप में कोई कमी है तो किसी को बताने में शर्माओ मत, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हंसेगा और क्या होगा, आप उसको अगर बेटर बनाओगे तो आपका फ़ायदा है ना, तो ठीक है उसको अच्छा बनाओ, शर्माओ मत, आपकी जो कमी है उसको सुधारो, किसी अगर आपका कोई मेंटोर है तो उससे उस कमी को बताओ कि मुझे इसको सही करनी है, आपके ट्यूटर हो गए, टीचर्स वगैरह हो गए, उनको बताओ कि मुझे मेरी ये कमी है, इसको मेरे को सही करना है, मैं क्या करूँ, तो वो आपको बताएंगे और आपको उसको सही करना है। खुद का अगर बेटर वर्जन बनाना है तो आपकी हर कमी को आपको सुधारना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं को अपने आप अपने ऊपर अप्लाई करो और परफेक्ट बन जाओ, किसी कोर्सेज के पीछे मत भागो, वो जस्ट टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, फ़ायदा होता होगा बट मैं फेवर में नहीं हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको फ़ायदा मिला हो तो ज़रूर से शेयर करना, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करना। ओके, सो थैंक यू सो मच।